काशान मियां, कैसे हैं आप? आदाब। अरे तमन्ना बेगम, जहे नसीब, आज हमें कैसे याद कर लिया आपने? जरूरी काम था आपसे। तो हुक्म कीजिए ना तमन्ना बेगम, बंदा हाजिर हो जाएगा। वो ऐसा है कि दिलावेज और सिकंदर की अलहदगी का वक्त आन पहुंचा है और आपको हमारा साथ देना होगा। दिलावेज को सिकंदर से अलग करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी। तो फिर जैसा हम कहेंगे वैसा आप करेंगे। तैयार? जीते रहिए। कभी हमारी पायल खो गई। चले कोई बात नहीं, पुरानी चांदी की पायल थी, वैसे आप तो किसी ने उठा ली होगी। अरे हाथ में क्या था? वो हमारी चांदी की पायल खो गई थी तो अक्का भी ने कहा है कि वो सुनार के पास जा रही है तो वो हमें नई पायल बनवा देंगी, तो वहीं जा रहे थे। ये तो एंटीक लग रही है, तुम्हारी तो नहीं हो सकती। बीजान की अलमारी से चुरा ली होगी, चोर तो हो तुम। हम क्यों चुराएंगे उनकी अलमारी से? ये हमारी पायल है, काफी अरसे से हमारे पास है। दिखाओ। फारिया, फारिया हमारी पायल है। हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों में घुसने की? आपसे बात कर रहा हूं मैं, मना किया ना मैंने आपको? एक बात बताएं आपको, आप आज भी उसी से मोहब्बत करते हैं? तभी तो उसकी निशानी इस तरह संभाल कर रखी है। हम भी कितने बेवकूफ हैं, हमने जब ये पायल देखी तो हमें लगा कि ये हमारी खोई हुई पायल है। बहुत हैरान हो गए थे कि आपको ये कहां से मिली। और अगर मिल भी गई तो इस तरह निशानी के तौर पे क्यों रखी है? जबकि आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, अपने दिल में अपने घर में जगह नहीं दी, फिर क्यों रखी है? अगर फिर खुद ही समझ गए कि हमारी दूसरी पायल हमसे फारिया ने छीन ली थी, उसी ने शायद आपको दी होगी। क्या बातें कर रही हैं आप? ये वाली पायल ये आपकी कैसे हो सकती है? झूठ बोल रही है ना? सही से बताएं, आप झूठ बोल रही हैं ना? हम झूठ नहीं बोल रहे, हम झूठ क्यों बोल रहे?
हमारी एक पायल खो गई थी। जब हम मरियम की शादी में जा रहे थे तभी हमारी गाड़ी खराब हुई, रास्ते में हमें और अक्का भी को रुकना पड़ा और न जाने किस लम्हे वहां पे हमारी पायल खो गई। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अक्का भी से पूछ सकते हैं। हमें तो बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि ये पायल हमें अक्का भी ने दी थी तोहफे में। आपको ये पायल फारिया ने दी थी ना? एक मिनट में सोता है।